तो सिद्धांति ने कहा था भेद प्रतिपत्ति आदि में भी असाधारण कारणता आ जाता है सामग्रियों में, इसलिए वह सामान्य का ही बोधक है ऐसा नहीं हो सकता। अनुगत प्रत्यय जो है के प्रति ही कारण सामान्य है ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि भेद प्रतिपत्ति आदि के प्रति भी असाधारण कारण बनता है सामान्य। यथा गोहु इतरेभ्यो विद्यते गोत्वात् यन्यन्तन में था अश्वत्वत्, ऐसे व्यतिरेक अनुमान स्थलों में वह सामान्य के द्वारा हम इतर भेद की प्रतिपत्ति करा रहे हैं वह अनुगत प्रतिपत्ति कहाँ है। इसे अनुगत प्रतिपत्ति के प्रति ही जो कारण उसका हम सामान्य लक्षण अतिव्याप्ति हो गया उन स्थलों में, अतएव वो लक्षण बदलते हुए ऐसा करो एतत् प्रतिपत्ति प्रमाणकत्व यदि चेन्न अणुगत प्रत्यय है प्रमाण जिसमें भवरी समास करो प्रमाणकत्व इसलिए कह दिया ये अनुगत प्रत्यय प्रमाण है जिसमें अनुगत प्रतिपत्ति ही प्रमाणम यस्मिन विषय तद विषय सामान्य ऐसा कर देंगे हम यदि चेन्न यह आप नहीं कह सकते स्व सामग्र्यम अप्यस्यः प्रमाणत्वात् के कार्य के द्वारा कारण का अनुमिति होती है ये सामान्य सिद्धांत है, इसलिए स्व सामग्री में भी वह प्रमाण है। भाई अमुक प्रतिपत्ति कोई भी अनुगत प्रतिपत्ति हो कोई भी ज्ञान हो ज्ञान रूप कार्य उत्पन्न होने से हम अनुमान कर लेते हैं ज्ञान किन किन कारण सामग्रियों से पैदा हुआ, तो इन सामग्रियों के प्रति भी प्रमाण कौन हुआ वह प्रत्यय। भाई अयं घटक ज्ञान ही तो आपके लिए प्रमाण बना किसके प्रति, ये ज्ञान के वजह से आपने निर्णय ले लिया हमारा चक्षु ठीक है, इसलिए यथा अयं घटे प्रतिपत्ति ही प्रमाणम यस्मिन कस्मिन चक्षुरादि आरोपी सामग्री में भी चला गया लक्षण उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी सब कार्यक्रम का कारण काल में लक्षण चला गया सभी के प्रति प्रमाण है वो ज्ञान होने से ही ये सब निश्चय हो गया नहीं तो नहीं होता कार्य कारण भाव। तब वो कहता है ये तद एक प्रमाणकत्व यदि चेन्न ऐसा करूँगा फिर कार्य से कारण की अनुमिति होती है बात तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अनुगत प्रत्येक के प्रति एकमात्र प्रमाण सामान्य ही है उनके प्रति तो और भी प्रमाण है हमारे पास अन्य चीज़ों के द्वारा भी वह प्रामाण्यता सिद्ध हो जाता है। जैसे एक देश चक्षु रूप ज्ञान से अनुमेय है केवल अनुगत प्रतीति से नहीं, अनुगत प्रतीत जो घटत्वादी से ही चक्षु नहीं है किंतु प्रमाणित्व ग्रहण नहीं हो रहा किंतु रूपादि ज्ञान के प्रति भी बन रहा है। इसरा आलोक है वो भी सामग्री है ना वो तो प्रत्यक्ष से सिद्ध हो जा रहा है उस ज्ञानाधीन प्रमाणत्व ने उसको अनुमान करके निश्चय करने की जरूरत नहीं है, इसे अनुगत प्रतीति ही एकमात्र प्रमाण है जिसमें वह कौन होगा जाति होगी सामान्य हो सकता है दूसरा नहीं। तब सिद्धांत ये भी नहीं हो सकता अर्थ क्रिया भेदादरपि तत्र प्रमाणत्वात् अर्थ और माने फल और क्रिया भेद कार्य भेद ये भी आकस्मिक नहीं हो सकता है ना ये भी आकस्मिक नहीं हो सकता दाह है जैसे अग्नि में दाह रूप फल होता है और वह क्रिया हो रहा है आने नादि व्यायाम कर लेते उसका पाक आदि कार्य हम देख रहे हैं दाह पाक आदि यह भी अर्थ क्रिया भेदादिरपि तत्र माने तस्मिन विषय सामान्य प्रमाणत्व माने हम अग्नित्व कहाँ मानूंगा अग्नित्व मानने के पीछे क्या है दाह भी है पाक भी है यह पका रहा है इसलिए अग्नि है यह जला रहा है इसलिए अग्नि है कि अनुगत प्रतीति ही एकमात्र प्रमाण नहीं रहा दहापाक आदि भी प्रमाण बन गया उसके प्रति अग्नित्व के प्रति अर्थ क्रिया मतलब दहापाक आदि भेद रूपा जो कार्य है इससे भी तो वह भी तो प्रमाण बन रहा है अग्नित्व के प्रति क्या अयम अग्नि इत्यादि प्रतीति ही मात्र प्रमाण नहीं रहा ना अग्नित्व के प्रति दाह भी प्रमाण है पाक भी प्रमाण है अग्नित्व के प्रति वो भेद आदि भी तत्र मने अग्नित्वादि मने सामान्य प्रमाणत्व सामान्य में प्रमाण हो जाते हैं। इसे कारणता अवच्छेद रूप से सामान्य सिद्धि होती है कारणता अवच्छेद रूप से आप सामान्य सिद्ध करते हैं इसीलिए कार्य भेद को ध्यान में रखते हुए इसे द्रव्यत्व जाति आपने सिद्ध किया द्रव्य जाति कैसे सिद्ध करते हो आप
समय कारणता उच्छेदकत्वेन समवाय कारणता उच्छेदकत्वेन ही द्रव्यत्व जाति की सिद्धि करनी पड़ती है। लेकिन कारणता उच्छेद तब ग्रहण कर पाओगे जब कारण तय हो, और कारण जो है किसी भी एक कार्य के प्रति एक कारण है नहीं, इसे कार्याधीन कारण निर्णय में अनेक कारणों में से यही एकमात्र कारण तो बनेगा ना सामान्य, अन्य भी अनेक कारण है। अच्छा अनुगत प्रतीति रूप कार्य हुआ, उस कार्य के प्रति आपको एकमात्र प्रामाण सामान्य है, यह नहीं हो सकता कि अन्य कार्यों के आधार पर भी हम अग्नित्व का अनुमान कर सकते हैं ना, दहापाक आदि के आधार पर भी हम अग्नित्व को निश्चय कर सकते हैं। इसलिए अनुगत प्रतीति ही एकमात्र प्रमाण नहीं रहा किसके प्रति, अग्नित्व के प्रति। इसे अर्थक्रिया भेद आदि भी अग्नित्व की अनुमान करने में प्रमाण बन जा रहे हैं। इसे प्रति अनुगत प्रतीति ही एकमात्र प्रमाण है सामान्य में कहना ठीक नहीं है, किंतु दहापाक आदि भी प्रमाण बनते हैं किसमें, अग्नित्व की सिद्धि में, ये उनका कहना है। इसे समवाय कारणता अवच्छेदकत्व, इसलिए समवाय कारण कौन है, अग्नि का, अग्नि समवाय कारण बन रहा है, किसके समवाय कारण है, अग्नि दहापाक आदि के प्रति, उसका अवच्छेदकत्व ना आप अग्नित्व को सिद्ध करोगे। कोई भी द्रव्य सिद्ध होगा, द्रव्यत्व सिद्धि है, वह समवाय कारणता अवच्छेदकत्व ने होगा। और समवाय कारणता अवच्छेदक समवाय कारणता निर्णय कैसे हुआ, केवल अनुगतित्व प्रतीति के आधार पर समवाय कारण निर्णय नहीं होता है, क्योंकि अग्नि में तो कोई अनुगत प्रतीति नाम का कार्य उत्पन्न ही नहीं हुआ। भाई अनुगत प्रतीति जो ज्ञान है उत्पन्न कहाँ होता है, वह तो आत्मा में पैदा होता है, वह समय कारण है ही नहीं। समय कारण किसके, वो दाह के प्रति है कि नहीं, पाक के प्रति है, उष्ट स्पर्श के प्रति है, प्रकाश के प्रति है। लेकिन मुख्य समय कारण तो अवच्छेद आपका नियम है, आप द्रव्यत्व जात सिद्ध करते हो तो आपने नियम ये या कारणता सासा किंचित अवच्छिन्ना, ये व्याप्ति बना करके कारणता अवच्छेद ही किंचित धर्म क्या होगा, वो द्रव्यत्व का और सिद्धि की है। उस नियम के आधार पर हम चलेंगे, अग्नित्व यदि कोई भी जाति सिद्धि होगी वो कारणता अवच्छेद धर्मत्व ने सिद्ध करना पड़ेगा आपको। वही कौन सी कारणता, निमित्त कारण नहीं, असमय कारण नहीं, अन्य कारण नहीं, समवाय कारणता अवच्छेद को नहीं सिद्ध करना आपने हमेशा। यदि ऐसा मान के चलते हैं फिर समवाय कारणता अवच्छेद सिद्धि के लिए आपको कार्य बनेगा अनुगत प्रतीति नहीं, क्योंकि अनुगत प्रतीति रूप ज्ञान का समवाय कारण आत्मा होता है, समवाय कारण अग्नि तो हो ही नहीं सकता, अग्नि तो सिद्धि नहीं होगा फिर। इसे सकल जातियों की सिद्धि के विचार के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो आपके लक्षण भी ठीक नहीं है, अनुगत प्रतीति एकमात्र प्रमाण है जिसमें, यह भी कहना ठीक नहीं। तो जब प्रमाण हम छटाओ फिर प्रतिपत्ति प्रमापकत्वम कह दो, एतत् प्रतिपत्ति प्रमापकत्वम इति चिन्नो, मैंने अनुवृत्त प्रत्यय ही एकमात्र प्रमा है जिसमें, अनुगत प्रत्यय है प्रमा जिसमें, वो है सामान्य। सामान्य के कारण से अनुगत प्रतीति पैदा होता है, इसीलिए अनुगत प्रतीति में ये जो हो रहा है अनुगत प्रतीति ही प्रमा है जिसमें, सामान्य में प्रमा क्या है, अनुगत प्रतीति है, ये उनका मानना है कि ज्ञान के बिना विषय सिद्ध नहीं होगा, सामान्य विषय प्रमेय है। किस प्रमा का प्रमेय है सामान्य, अनुगतिति प्रमा का प्रमेय सामान्य। इसे अनुगतिति प्रमा ही है, एकमात्र प्रमा है जिसमें, वो है सामान्य। और अन्य में जैसे आपने दाह आदि में अनुगत प्रतीति प्रमा नहीं है, उसके लिए पाक के लिए भी नहीं है, प्रकाश के लिए भी नहीं है, कि अनुगत प्रतीति नहीं होता है दाह का, कि चंद्रकांत मणि रख दिया प्रतिबंधक आ गया, नहीं होगा। इसे उनका कहना है अनुवृत्त प्रत्यय ही एकमात्र प्रमा है जिसमें, ऐसे तत्व का नाम सामान्य है, ऐसा लक्षण करना भी उचित नहीं होता। अर्थात तद्वत विशेषकत्व सति तत् प्रकारकत्व, ऐसा लो, और उसमें जो प्रकार विधेय भाषित होता है इस प्रमा के अंदर उसी का नाम सामान्य है। भी प्रमा का लक्षण क्या है, तद्वत विशेषकत्व सति तत् प्रकारकत्व प्रमात्व, ये लक्षण है। तद्वती तत्प्रकार को अनुभव
यथार्थ ज्ञान सैव प्रमाणित उच्यते, ये उन्होंने कहा है। अर्थात उसका व्याख्या ये किया, तद्वत विशेषकत्व स्थिति तत् प्रकारकत्व, अति उस प्रमाण के अंदर प्रकार विधिया भाषित क्या होता है, हमेशा सामान्य रजतत्व वाला रजत में रजत प्रकार ज्ञान होने का नाम ही रजत ज्ञान प्रमा, इदम रजतम प्रमा। इसलिए इदम रजतम ज्ञान में प्रकार विधिया क्या भाषित हो रहा है, रजतत्व, यही सामान्य है। तब कहेंगे देखो, तद विशिष्ट से आप तत्व प्रसंगात, क्योंकि उस प्रमाण के अंतर्गत केवल प्रकार ही नहीं होता है, तत्व विशेष भी तो है, मनुष्य प्रकार से विशिष्ट व्यक्ति में अतिव्याप्ति हो गया। ज्ञानगत प्रतीति ही प्रमा है, जिसमें केवल प्रकार विधिया प्रकार मात्र में नहीं किंतु विशेष विधिया विशेष में भी अनुगत प्रतीति प्रमा बन जाएगा। आप लक्षण कर रहे हैं सामान्य रूप प्रकार में जाए लेकिन चला जाएगा विशिष्ट रूप विशेष में चला जाएगा। तद विशिष्ट से आप तत्व प्रसंगात, मैंने जाति से विशिष्ट प्रकार से विशिष्ट तद्वत जो विशेषक विशेष विधेयक जो प्रतीति हो रहा है उस प्रमा के अंदर उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद अवच्छिन्न प्रमाणश प्रमापकत्व चिन्ह, ऐसा करो विशेषांश क्यों लूंगा, जो अंश हमें अभिष्ट लक्षण घटाने उतना अंश लू, सर्वांश क्यों लेंगे हम। कहता है इसलिए तदवच्छिन्न प्रमाणश, तदवच्छिन्न जात्यवच्छिन्न जो प्रमा का अंश है प्रकार है वह है प्रमा, जिसका कहे तदवच्छिन्न प्रमाणश प्रमापकत्वम, ने तद जात्यवच्छिन्न प्रमा का अंश जो प्रकार और प्रकार विशिष्ट जो प्रमा वही है प्रमा, जिसका जिसमें कौन हो जाएगा वो सामान्य लक्षण चला जाएगा। इस चिन्ह बात आ गई ना, जाति वच्छिन्न प्रमाण से पहले जाति की तो सिद्धि कर रहे हो, लक्षण फिर जाति ले लिया आपने, जाति की सिद्धि के बिना जाति घटित लक्षण कैसे बनाओगे आप। कहते तद असिद्ध ही वह असिद्ध है, ये लक्षण में जो तत्सब से जो तुम लेना चाह रहे जिसको वही सिद्ध नहीं होने से ये लक्षण ही असिद्ध हो गया। हाँ, तद वच्छिन्न कैसे कह दिया, तद मैंने प्रकार आप लेना चाह रहे हो, क्योंकि जो प्रमा है केवल एक से अवच्छिन्न नहीं होता है ना, कि उन न्यायिकों के हिसाब से क्या है, कोई भी प्रमा है कोई भी ज्ञान है उसमें क्या होता है विषयिता, और विषयिता जो है वो तीन विषय को लेकर के होता है, विशेष प्रकार संसर्ग, उनकी शब्दावली संस्कृता की विषयता, प्रकारता की विषयता और विशेषता की विषयता, तार विशेषता निरूपिता विषयिता ज्ञान में प्रमा में आप मानते हो, और उस ज्ञान का आप लेना चाह रहे इस लक्षण में कौन से अंश लेना चाह रहे हो, जात्य अंश को, इसे आप तत्स क्या कहना चाहते, तदवच्छिन्न प्रमा का अंश, प्रमा का तीन अंश में से तदवच्छिन्न अंश कौन सा लेना चाह रहे हैं आप, प्रकार को, उसे जात्यवच्छिन्न अंश लेनी पड़ेगी ना, व्यक्तवच्छिन्न को छोड़ना पड़ेगा, संसर्गावच्छिन्न को छोड़ना पड़ेगा, आप लक्षण कोटि में तत्सब से जात्यवच्छिन्न प्रमा अंश रूपा प्रकार हो, तस प्रकार वाला प्रमा ही है एकमात्र जिसमें वो सामान्य है, ये आप लक्षण करना चाहो सामान्य का लक्षण में सामान्य की अपेक्षा हो गई तत्सब से। दो अंश को त्यागना है ना, दो अंश को त्यागना एक अंश के लिए आप तत्सब से बोल रहे हो, तत्सब किसको लूंगा आप, आपके लक्षण अनुसार हमें लेना पड़ेगा तत्सब विशेष नहीं, संसर्ग नहीं ले सकते हम, लेना पड़ेगा प्रकार को, प्रकार मैंने जाति, उसी को तो हम लक्षण पूछे थे, और उसी शब्द से आप शुरू कर रहे हो लक्षण को। जब तक इसलिए जाति नाम का चीज सामान्य नाम की सिद्ध नहीं है, जाति या प्रकार नाम की चीज भी सिद्ध ही नहीं, अतः लक्षण असंभव हो गया, ये इनका कहना है। व्यक्ति और वैशिष्ट का जात्यंश में प्रमा विषय तो नहीं है, व्यक्ति का और वैशिष्ट जो संसर्ग है उन दोनों को जात्यंश प्रमा विषय तो नहीं मानूंगा, कारण विषय भेद से ज्ञान में अंश भेद मानूंगा, विषय भेद ही तीन विषय है, संसर्ग प्रकार विशेष, विषय भेद से ज्ञान में तीन अंश हुआ, हमें लक्षण में घटाने जितना अंश जरूरत है उसको हम तत्सब से ले लेंगे, तो हो जाएगा वो प्रकार जाति लुआ, तो जाति लोगे आत्माश्रय दोष हो जाएगा या असंभव दोष हो जाएगा। यम प्रतीतिर येन विना नोपपद्यते तत्सामान्य,
ऐसा लक्षण करो। फिर अनुगत प्रत्यय जिसके बिना नहीं हो सकता उसका नाम सामान्य। अब पकड़ाओ, थोड़ा ढंग का लक्षण लग रहा है ये कि अयंगट 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 अगर अनुगत प्रत्यय जो हो रहा है ये जिसके बिना नहीं हो सकता उसका नाम सामान्य। हम कहेंगे व्यक्ति के बिना भी तो नहीं हो सकता। अयंगट 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 ये जो बराबर ज्ञान होता है अनुगत प्रतीति हो रही है इसका पीछे घट भी तो कारण है, या भी तो कह रहे हैं ये यम प्रतीति ये न बिना यद विषय बिना। विषय तो प्रकार भी है, व्यक्ति भी है, संसर्ग भी है, तब भी लक्षण फिर वही दोष व्यक्ति महत्व व्याप्ति हो जाएगा। वही आगे कह रहे हैं तई तिचन न कारणांतराणाम तथात्मात्। जब प्रतीति के जो कारणांतर है उनके बिना भी तो उत्पन्न नहीं होगा। प्रकाश के बिना अयम घट ज्ञान हो जाएगा क्या? प्रकाश भी तो कारण है, इंद्रिय संयोग भी तो कारण है, उसके अनुगत प्रतीति कैसे होगी? कारणांतरों में भी लक्षण जिन कारण सामग्रियों के बिना यथासंग प्रतीति नहीं पैदा होती है उन सगल कारण सामग्रियों में लक्षण का अतिव्याप्ति हो गया। सीएम प्रतीति येन बिना न उपपद्यते, जिनके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता उसका नाम सामान्य लक्षण नहीं हो सकता। कि कारणांतर भी जो है वहाँ पर इसी में भी लक्षण चला जाता है। कोई भी प्रतीति हो उसको एक कारण से नहीं होगा, पूर्व कह चुका हूँ। जिन कारणों के बिना प्रतीति उत्पन्न नहीं हो सकती उन सगल कारणों में तुम्हारा लक्षण चला जा रहा है। तब कहते छोड़िए फिर लक्षण सब लंबा चौड़ा करके फंस जा रहे हैं, तो फिर वापस लौटते मूल लक्षण में। अनुवृत्तम सामान्य मित्यपि अलक्षणम। सिद्धांत कहता है अनुवृत्त प्रत्यय जिसके बिना ना हो वह सामान्य, ऐसा कहो। यम प्रत्यय एन बिना नोपपद्यते ना बोल करके इतने अनुवृत्त प्रत्यय जिसके बिना ना हो उसका नाम सामान्य। सीधे सीधे ले लो, अर्थात अनुगत प्रत्यय अन्यथा अनुपत्ति प्रमापकत्वम। अनुगत प्रत्यय की अन्यथा अनुपपत्ति का कारणभूत प्रमा है जिसमें, उसका नाम सामान्य। अनर्थापत्ति प्रमाण पकड़ाओ। यह लक्षण करें यदि भी नैयायिकों का द्वारा यह कहना संभव नहीं, ये बात नहीं मान सक कह सकता है क्योंकि अर्थापत्ति मानते हैं ना नैयायिक। सिद्धांत कहता है ये नहीं हो सकता। किमिदम अनुवृत्तत्वम नाम, आप पहले बताओ अनुवृत्तत्व किसको कहते हैं? अनेक आश्रितत्व इति चेत, यदि कहोगे अनेक आश्रितत्व, अनेक आश्रितत्व कहोगे आत्मसंयोगादि में अतिव्याप्ति हो जाएगा। अवयव विना संयोगादिभिश्च व्यभिचारात्, सबसे अवयवी में अतिव्याप्ति, कि अवयव कोई भी घटादि रूप अवयवी है वो क्या होंगे? अनेक अवयवों में रहते हैं। तो अनेक आश्रितत्व लोगे अनुवृत्तत्व कर तो जैसे क्या हुआ पर घटत्व कैसे अनेक घटों में आश्रित है, इसलिए अनेक आश्रितत्व का लक्षण उसमें जाना चाह रहा है। नित्यम एकम अनेकानुगतम में जाना है, उसकी ओर भूमिका बांध दिया उसने। हाँ, अवयवी में अतिव्याप्ति हो जाएगा। क्या अवयवी भी तो अनेक अवयव में आश्रित है? आप लक्षण करते जाति का चला जाएगा अवयवी में। और दूसरा संयोगादिश्च, संयोगादि ऐसे ही गुण अनेक गुण आपके पास ऐसे हैं जो अनेक में ही रहता हमेशा, दुष्ट है ना, कम से कम दो में रहेगा। ये संयोग है जो आत्मन संयोग है, आत्म भी मन में भी है, अनेकाचर तत्व आ गया, पृथक्त्व है, विभाग है, ये सब अनेकाश्रित वस्तु है। संख्या है, द्वियादि संख्या क्या है? अनेकाश्रित है। आपके अनेकों गुण इस तरह के हैं जो अनेकाश्रित हैं। और द्रव्य में अवयवी एक बोल दिया, अवयवी करने से सारे द्रव्य आ गए, जो जो कार्यात्मक द्रव्य है सब आ गए। इसलिए अवयवी ना और संयोगादिभिश्च व्यभिचारात, ये लक्षण का व्यभिचार हो जाएगा अनेकाश्रित तत्व। तो ऐसा करो ये सब अनित्य है, अवयवी अनित्य है, संयोगादि अनित्य है, जिस व्यभिचार दे रहे हो हम नित्यत्व विशेषण जोड़ देंगे। नित्यत्व सति अनेकाश्रितत्व ऐसे कह दूंगा इति चेत न संवाये न व्यभिचारात, संवाय में अतिव्याप्ति हो जाएगा। कि समवाय संबंध भी कैसा है? नित्य होते हुए अनेकों में आश्रित है, उसके माध्यम से व्यभिचार सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये भी नित्य होते हुए अनेकाश्रित समवाय जो संबंध है ना, संबंध कहाँ रहता है? एक में तो रहेगा ही नहीं, कम से कम दो संबंधी चाहिए उसको, दो के बिना
कोई संबंध व्यवहार ही नहीं हो सकता, कोई भी संबंध हो। और समवाय संबंध ऐसा है नित्य होते हुए, इसलिए अनेक आश्रित्वन के नाते लक्षण कर रहे जाति का चला गया समवाय में। आते न बहुवृत्तित्वम इत्यपि, इसलिए अनेक आश्रित्वम न करके बहु कह दो, मैंने दो से ज्यादा चाहिए। बहु का मतलब क्या, कम से कम तीन। और संबंध आदि क्या, दो में हो सकते हैं, संबंध दो में ही चलेगा ना। दो का नाम बहुत तो नहीं है, व्याकरण अनुसार है ना, दो का नाम बहुत तो नहीं है। हाँ, दो से मतलब द्विवचन, बहुत का मतलब होता है कम से कम तीन। उन्होंने एक कपंचलाधिकरण न्याय मीमांसा दर्शन है इसके लिए, कपंचलाधिकरण न्याय बहुशुभवचन सूत्र में वहाँ पर लिया गया इस न्याय को, और कहा कि भाई बहुशुभवचन में बहुत्व का अर्थ किया, कितनी संख्या मानी जाए भाई। जैसे दृष्टांत कपिंजलान्य जेत कबूतरों से हवन करें, आप कितने कबूतर लाएं। पूर्व पक्ष कहता है ये बकवास है, निरर्थक वाक्य, कि संसार भर के सारा कबूतर लाना तो किसी को भी संभव नहीं है। और 10-20 लाओगे, ईश्वर कहेगा हमारा बहुत कर 100 था, तुमने 20 से किया तो फल मिलेगा नहीं। कोई 100 से करे ईश्वर कह सकता है 1000 बहुत कर, इसे बहुत कर निर्णय तो करो। तब उन्होंने कहा कि प्रथम वही नियमित कारण से नतिक्रमात्, एक वचन एक संख्या के लिए हो गया, द्विवचन द्वि संख्या के लिए हो गया, और बहुवचन किसके लिए, तीन से अनंत तक के लिए, सभी का जो द्योतक है ना बहुवचन। तो प्रथम वही जो पहला कौन सी संख्या है, तीन, उसी में नियमित हो जाओ। कारण से नतिक्रमात्, यदि कोई कारण है अतिक्रमण करने के लिए तो करो, तीन से ऊपर लो। जैसे सप्तदशान पशुन कह दिया, पशुन में बहुवचन है, इन विशेषण सप्तदशान दे दिया है, वह तीन में नहीं मानेंगे हम, 70 पशु ही काटेंगे। इसलिए कहते हैं जहां कारण है तो अतिक्रमण कर जाओ, नहीं पहला जो संख्या है तीन उस पर रुकनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत तो कार्य क्या हो जाएगा, कम से कम तीन में रहना चाहिए। अब संयोग संबंध दो में रहता है, समवाय भी दो में रहता है, उसमें अत्यव्यप्ति निवृत्त हो गया, लेकिन अवयवी में तो अत्यव्यप्ति रहेगा ही, क्योंकि अवयवी दो या तीन अवयव में नहीं रहते ना, अवयवी हमेशा अनेकों अवयव में रहता है, कोई भी अवयवी हो उसमें लक्षण के अत्यव्यप्ति दूर नहीं हुआ। इसे कहते एते नहीं हुआ अतएव इत्यपि निरस्तम न कह दिया, यह भी लक्षण नहीं हो सकता बहुवृत्तित्व, यह भी नहीं हो सकता। और नित्यत्व जोड़ने पर भी फिर परमाणु आदि में अतिव्याप्ति होगा, जब परमाणु होता है अनेक देश संबद्ध है ना, बहुदेश संबद्ध है, ऊपर नीचे दायां बायां इधर उधर सर्वदेश संबंध रहता है परमाणु का, वहां पर भी लक्षण चला जाएगा। इसलिए कहते हैं बहुवृत्तित्वम इत्यपि न असंबंधत्व सति इति चेत, चलो संबंधों में अत्याप्ति हो रहा है ना, उसे निवारण करने के लिए असंबंधत्व जोड़ दूंगा। असंबंधात्मकत्व सति नित्यत्व सति अनेक आश्रयत्व, ऐसे कह दो। संबंध में आप अतिव्याप्ति दे रहे हैं, संयोग संबंध है, समवाय संबंध में अतिव्याप्ति दे रहे थे, वो संबंध है ना, वो असंबंध तो उसमें नहीं जाएगा। इसे असंबंधत्व कहने से सकल संबंध में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। तब कहते अणुभिर व्यभिचारात, तो परमाणु में व्यभिचार है, ये परमाणु क्या है, अनेक देशों से संबद्ध है, अनेक आश्रित है ना, तो परमाणु कहाँ रहता है, पूछो किसी से परमाणु कहाँ रहता है, तो सब जगह है। अच्छा, सर्वदेश है, में है ना, वो अनेक देश वृत्ति है, वो एक देश वृत्ति नहीं परमाणु, क्यों, परमाणु सक्रिय होता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर भाग रहा है, अनेक देश वृत्ति तो परमाणु में चला जाता है। अनेक आश्रितत्व मैंने आगे अनेक दिग में आश्रित है परमाणु, लक्षण चला गया परमाणुवादियों में, दुणुक में भी जाएगा, इसलिए आदि कह दिया। अणुभिर व्यभिचारादि थी, क्योंकि परमाणु संयोग संबंध से अनेक दिशाओं में रहते हैं, अतः उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। नित्यत्व सती अनेक समवेतम कह दो, परमाणु दिशाओं में समवाय संबंध से नहीं रहता ना, संयोग संबंध से रहता है, ये दिशा विद्रव्य है, परमाणु वैसे द्रव्य है, दोनों के बीच जो समवाय व्यवस्था नहीं है, आयुत सिद्ध नहीं है यो, क्योंकि आयुत सिद्ध उन्होंने जिनमें माना वही ना समवाय संबंध रहेगा, पांच चीजों को आयुत सिद्ध माना,
पहले जाति व्यक्ति, गुणगुणी, क्रिया क्रियावान, अवयव अवयवी और नित्य द्रव्य विशेष, ये पांच जोड़े हैं। इन पांच को ऐसे सिद्ध माना उन्होंने, इन्हीं में समय रहेगा। जैसे दिक् और परमाणु, इनके बीच में समय नहीं है, इस अति व्यक्ति दूर हो गया। नित्यत्व सती अनेकों में संवेत रहने वाला ऐसा कह दूंगा तो कहीं अतिव्याप्त नहीं। चेत न विकल्प असहत्वात्, विकल्प करके विचार करके देखें तो तुम्हारा लक्षण टिकता नहीं है। क्यों हम पूछते हैं, यह लक्षण खुद नित्य के अनित्य बताओ। जिस सामान्य का लक्षण कर रहे हो, सामान्य नित्य, इसे नित्य तो सत्य आपने बोल दिया है, लेकिन लक्षण खुद नित्य के अनित्य बताओ। यदि लक्षण खुद नित्य है तो नित्य में नित्य रह गया आत्मा सर्वदोष। यदि लक्षण नित्य है, अनित्य तो नित्य में कैसे रहेगा? वेद सरज्जु, लक्षण को घटाते हो ना, लक्षण लक्ष्य में रहना चाहिए। और लक्ष्य क्या? हमारा नित्य है। और लक्षण हमने बनाया, जो भी शब्द रखा हो लक्षण के अंदर, क्या शब्द सब लफड़ाने, लक्षण को रखा, ये लक्षण लक्ष्य में जाना चाहिए। और लक्षण यदि नित्य है तो नित्य में नित्य रहना होगा, नित्य में नित्य रह रहा है आत्मा सर्वदोष, स्व में स्व की वृत्ति अस्वीकृत है। यदि लक्षण अनित्य है, फिर नित्य में अनित्यत्व रह गया, यह असंभव वृद्धत्वादेव। आते हुए लक्षण को आप नित्य में नहीं, चाहे नित्य उपाधि, चाहे नित्य उपाधि, उपाधि को कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे उपहित को भी लेकर विचार करेंगे, पहले भी बोल चुके, आगे भी बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पूछ रहे हैं, चाहे उपाधि हो, चाहे विशेषण हो, चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन वह नित्य के नित्य ही पूछ रहा हूँ मैं। पर लक्षण को उपाधि मानकर दोष दे चुके, फिर यहाँ उपाधि नहीं बोल सकते, इसीलिए आपको लक्षण लक्षण ही कहना पड़ेगा, विशेषण विशिष्ट कहना पड़ेगा। नित्यत्व रूप विशेषण से विशिष्ट अनेक आश्र तत्व, अनेक समय तत्व आपको लेना पड़ेगा। लक्षण विशिष्ट लक्षण है ये, इसे पूछे वो उसमें रहता है कि नहीं रहता है। वो पूछा, एतल लक्षणम नित्यम अनित्यम वा स्यात्। यदि नित्य कहोगे तो नाद्य हो स्वात्मनिवृत्ति विरोधात्, स्व में स्व कहो न संभव नहीं है, नित्य में नित्यत्व तो नहीं रहेगा। विशिष्ट प्रविष्टम अपि नित्यत्वम नित्यम एव, इतना ही नहीं, विशिष्ट में प्रविष्ट है नित्यत्व शब्द तुम्हारा, नित्यत्व सति अनेकत्वम अनेकाश्रितत्वम, यह आपका लक्षण है, यानी संवेतत्वम लक्षण है। इस लक्षण में खुद विशेषण रूपण क्या है? नित्यत्व बैठा हुआ है। विशिष्ट में नित्यत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? विशेषण यदि विशेषण नहीं है, लक्षण असंभव विशिष्ट में, अव्याप्ति कहो या तो। और विशेषण रह गया नित्यत्व उसमें, तो नित्य में नित्यत्व हो गया, स्व में स्ववृत्ति हो गई, दोष आ जाएगा। वे कहते हैं कि देखो, स्वात्मनिवृत्ति विरोधात्, क्योंकि विशिष्ट प्रविष्टम अपि ही नित्यत्वम नित्यमेव, विशिष्ट में प्रविष्ट जो नित्यत्व है वह भी नित्य ही तो है, इनका कहना है। अतः अंशतः आश्रय आत्माश्रय दोष हो जाएगा, विशेषणांश को लेकर के भी होगा, लक्षण समुद्र समुदाय को भी नित्य मानने पर भी हो जाएगा। पूरे लक्षण को नित्य मानोगे तो भी स्वामी स्ववृत्तित्व नहीं हो सकता, स्वात्म स्ववृत्तित्व विरोधात् दोष आएगा। और विशेषण मात्र नित्यत्व जो तुम्हारा है वो भी उसके अंदर घटाने लगोगे तब भी दोष आएगा, आत्माश्रय दोष रहेगा, विशेषणांश में आश्रय ना भी द्वितीय, फिर को अनित्य है तो हो ही नहीं सकता। सामान्यस्य समवायस्य च नित्यत्व अभाव प्रसंगा, यह सामान्य रूपा जो आपका लक्ष्य है वो भी अनित्य होने लगेगा। क्या लक्षण अनित्य है? अनित्य तो जिसमें उसी में रहेगा अनित्य, जो अनित्य होगा अनित्य वस्तु में ही तो अनित्यत्व जाएगा। यदि अनित्य वस्तु में अनित्यत्व चला गया कहोगे, फिर सामान्य अनित्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, लक्षण का घटकी भूता जो संवेत है नित्य सत्य अनेक संवेत तत्व, उसको भी अनित्य मानना पड़ेगा आपको। सामान्य च समवाय से च मैंने चयवार्थ में सामान्य का अथवा समवाय का नित्यत्व की अभाव की प्रसक्ति हो जाएगी। लक्षण दृष्टिया सामान्य अनित्य हो जाएगा, और लक्षण के विशेषांश दृष्टिया समवाय भी अनित्य होने लग जाएगा। आत्मत्वादो व्यक्ति भाव आयत्तस्यापि विशिष्ट भाव से असंभवात्। इतना ही नहीं, यदि कहें लक्षण घटक व्यक्ति के अनित्य होने से, अनेक शब्द बोला हो ना मैं, अनेक समेतम, वो अनेक जो व्यक्ति है
जिनमें समवाय समय से रहने की बात कह रहा हूं, व्यक्ति अनित्य होने के नाते, व्यक्ति जो घटकी लक्षण के घटकी पूता व्यक्ति अनित्य होने से हम लक्षण का नित्य कह देंगे, तब कह रहेंगे जहां जरूरत हो गया घटादी में आप ले लोगे, लेकिन आत्मत्व है वहां, व्यक्ति तो आत्मनित्य है, अनेक आत्मा वहां कैसे घटाओगे, फिर आत्मत्व जाति सिद्ध नहीं हो पाएगा। यदि अनेक शब्द से अनित्य व्यक्तियां लेने लगोगे तो लक्षण क्या हो जाएगा, नित्यत्व सति अनित्य व्यक्ति संवेतत्वम, ये लक्षण बनेगा, ये लक्षण चले जाए घटादी में, ठीक है मान लो, इन आत्मा में जो काल में कालत्व जाति मानते हैं उनके लिए क्या होगा, परमाणु में परमाणु तो जाति मान रहे हैं, वहां व्यक्ति अनित्य नहीं है ना, अनेक अनित्य व्यक्ति संवेत नहीं, वहां पर अनेक नित्य व्यक्ति संवेत है, फिर लाल महालक्षण आपका अव्याप्ति हो जाएगा। वही समझा रहे आत्मत्वाद व्यक्ति अभाव आयत्तस्यापि विशिष्टाभावस्य असंभवात्, अनित्य होने से लक्षण भी अनित्य है, तो जहां आत्मत्वाद स्थल में आत्म व्यक्ति भी नित्य है वहां आपका लक्षण अनित्य कैसे बन पाएगा, मैंने अनित्यत्व का अभाव, मैंने व्यक्ति के अनित्यत्व मैंने नित्यत्व भाव, व्यक्तिगत नित्यत्व भाव को लेकर के जो हम अनित्यत्व ने विशिष्ट के भी नित्यत्व भाव विशिष्ट में भी क्या कर दिया आपने, अनित्यत्व नित्यत्व का अभाव आप ले रहे थे, वो आत्मत्ववाद स्थलों में कैसे घटा सकोगे, क्योंकि व्यक्ति में वहां नित्यत्व का अभाव नहीं है, नित्यत्व ही है, अच्छा विशिष्ट में क्या हो जाएगा, वहां पर नित्य रह जाएगा, अनित्य हो नहीं सकेगा। तो लक्षण में तो व्यक्ति को लेकर जो अनित्यत्व लेकर के घटाना चाह रहे थे वो भी उस स्थल में संभव नहीं है, आत्मरूप स्थल में परमाणु रूप स्थल में, तो लक्षण अव्याप्ति रह जाएगा उस स्थल में। फिर तस्य च कदाचित सत्व अंगीकारे, यदि कैसे करो लक्ष्य में लक्षण कदाचित नहीं रहना, इसके कारण से मनित्य कह देंगे, कदाचित नहीं है लक्ष्य में, कदाचित लक्षण का न जाना अनित्यत्व मान लो, ये भी आप नहीं कह सकते, कदाचित असत्व अनंगीकारे, यदि इस असत्व को स्वीकार नहीं करोगे तो लक्षण में अनित्यत्व भी नहीं आएगा, अनित्य तो उसको कहेंगे ना, कदाचित है कदाचित नहीं है, हाँ कर रहा है वो, यदि आगे कहेगा भी अपलक्षण शब्द नहीं ला रहा है, कहेगा आगे, यदि इतना ही कह रहे हैं अनित्यत्व तभी मानी जा सकती, कदाचित का होना कदाचित न होना इसी कलम अनित्य, और सदा रहे वो नित्य हो जाएगा ना, और सदा नहीं रहे वो अत्यंत असत हो जाएगा, जो जो सदा नहीं रहता है खपुष्प आदि उनको अत्यंत असत कहा जाएगा, और जो सदा रहता है उसको नित्य कहा जाएगा, अनित्य कौन है भी जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है। यदि आप कदाचित लक्षण के असत्व कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं करोगे फिर अनित्य तो लक्षण में नहीं बोल सकोगे, अनित्य कहने के लिए आपको कैसे जगह दिखाना पड़ेगा जहां लक्षण नहीं है, जहां दिखाओगे फिर क्या वह व्यक्ति जाति रहित व्यक्ति है, सामान्य नहीं है वहां पर, यदि हां करोगे फिर तो वह लक्षण की अव्याप्ति हो गई उस व्यक्ति में, ये इनका कहना है। कदाचित यदि असत्व को स्वीकार नहीं करोगे तथा अनित्यत्व से ही वक्तुम अशक्यत्वात्, और अनित्यत्व की व्याख्या ही आप नहीं कर सकोगे, कैसे घटाओगे लक्षण, तद ग्रहणश्च प्रत्यस्य एककालिकस्य मिथ्यात्व अविशेषात सार्वकालिकस्य मिथ्यात्व प्रसंगेन सर्वथा तदसत्तापत्ते, तद ग्रहणश्च, यदि मान लो कहीं आपने उसके असत्व स्वीकार कर लिया किसी भी एक कदाचित आपने एक में तद ग्रहणश्च माने अनित्यत्व ग्राही के द्वारा प्रत्यक्ष एककालिकस्य किसी एक जगह उसने ग्रहण करके वैसे निश्चय हो गया या नहीं है का मतलब वो मिथ्यात्व है, एक वस्तु में मिथ्यात्व निश्चय हो गया जाति का अग्रहण के कारण से, फिर हम कहेंगे सर्वत्र मिथ्या हो जाएगा, बचेगा कैसे वो मिथ्यात्व अविशेषात, कि मिथ्यात्व में अविशेष होने से सार्वकालिकस्य मिथ्यात्व प्रसंगेन सार्वकालिक मिथ्यात्व की प्रसक्ति हो जाएगी, सर्वथा तथा सत्तापत्त है, फिर सर्वथा वह लक्षण को उस व्यक्ति विशेष में असत्व ही माननी पड़ जाएगी। एकस्य सत्यत्व अविशेषात सर्वसत्यतायाम कदाचित भी तथा सत्व नास्ति, और एक में सत्य तो मान लिया कदाचित भी
तो अविशेषात सर्वसत्यत्व हो जाएगा, कहीं भी फिर असत्यत्व मिलेगा नहीं, अनित्यत्व मिलेगा ही नहीं, यह आपत्ति हो जाएगी। ये एक में असत्व माना सर्वत्र असत्व हो जाएगा, और एक में सत्व माना तो सर्वत्र सत्व मानना पड़ेगा, ये समस्या है। एकजात संबंध ने उपलक्षित से अब लाया, ऐसा करो यदि कहें लक्षण अपने असत्व काल में भी लक्ष्य सामान्य का उपलक्षण कर देता है, भले नहीं रह रहा है लेकिन उपलक्षित कर दिया उसने, पहले एक बार पकड़ा था हमें उस लक्ष्य में लक्षण को, अब लक्षण ना भी चाहे तो वो लक्ष्य हमारा ग्रहण हो जाएगा। अब लक्षण भले नहीं है, जैसे मान लो किसी का लक्षण आपने फोटो बना दिया दाढ़ी मूछ वाला, अब उसे मर्डर करने क्या कर, दाढ़ी मूछ निकाल दी, दाढ़ी मूछ निकाल देगा तो पहचान पाओगे, पहले पहले तो समझ में नहीं आएगी लेकिन समझदार तो पकड़ लेगा, उपलक्षण है ना, क्योंकि दाढ़ी मूछ विशिष्ट जो देखा गया तो उपलक्षण था। अब वो दाढ़ी मूछ वाला ये लक्षण न रहने पर भी व्यक्ति पकड़ में आएगी, नहीं पकड़ में आता है उस तरह से आप पकड़ में हम कर लेंगे। एक बार जिसमें जाति देखा घटत्व को घट में देखा, बाद में मुझे घटत्व न भी ग्रहण हो तो भी घट ग्रहण हो जाएगा। इसे इस लक्षण को विशिष्ट न मान करके उपलक्षणात्मक मान लो। एकदात संबंध देना कौवा का एक बार संबंध घर से देखा आपने, उतने मात्र से ही उसे उपलक्षित से अन्यदापि अन्य काल जब कौवा नहीं है तो भी आप विद्यमानत्वाद ग्रहण कर लेते हैं, उसे और यहां भी मान लो। तथा त्वमिति चिन्ह, यह भी तुम नहीं कह सकते हो लक्षण से उपलक्षित लक्ष्य का ज्ञान भ्रम नहीं हो सकता है, इसलिए वहां सामान्य व्यक्ति भिन्न भिन्न मानना ही पड़ेगा। तो सिद्धांत से तादृश उपलक्ष्य असंभवात, इस प्रकार का सामान्य का साथ एक उपलक्ष्य नहीं हो सकेगा, क्यों घाट पाट मठ सभी में एक सामान्य को सिद्ध करने के लिए घट में घटत विशेष हो गया ना, पटे पट आप सामान्य का लक्षण कर रहे हैं, घटत्व का लक्षण नहीं कर रहे, आप घटत पटत्व आदि सभी में जाए ऐसा ही लक्षण कर रहे हैं ना सामान्य का लक्षण, उसके लिए यदि आप उस सामान्य को उपलक्ष्य मान लोगे तो उपलक्षित अवच्छेद क्या है पूछो उससे, बिना अवच्छेद का उपलक्षित उपलक्षण सकल उपलक्ष्यों को बोध नहीं करा सकता, ये उपलक्षण सकल उपलक्ष्यों को तब बोध कराएगा ना, तो उपलक्षित अवच्छेद गृहित हो सामान्य को भी अवच्छेद मानना पड़ेगा, और वो मानेंगे नहीं, सामान्य में जाति नहीं मानते ना, जाति में जाति नहीं मानते, तो उपलक्षण अवच्छेद की नहीं है तो अनंत उपलक्षण को एक उपलक्षण के द्वारा कैसे ग्रहण करोगे, असंभव हो गया। वही करे तादृश उपलक्ष्य असंभव मैंने उपलक्षित अवच्छेद का असंभव, तादृश उपलक्ष्य ही संभव नहीं है क्योंकि उपलक्षित अवच्छेद का धर्म न होने से लक्षण उपलक्षण नहीं हो सकता, अतः लक्षण जो है उपलक्षणात्मक नहीं हो सकता, अतः इसमें इससे लक्षण में अनित्यत्व अनुपन्न हो गया, व्यक्ति नाम भेदात अनित्यत्व अनुपत्ति रेव, क्यों घटपट आदि व्यक्ति भिन्न भिन्न है ना, एक अवच्छेद कैसे लाओगे, इसे कहते हैं घट व व्यक्ति नाम भेदात अनित्यत्व अनुपत्ति है, लक्षण में उपलक्षण मान करके भी अनित्यत्व उपन्न नहीं हो सकता कि घटपट आदि सकल व्यक्ति रूपा उपलक्ष्यों में एक उपलक्षित अवच्छेद आप सिद्ध नहीं कर सकते, अतः एक उपलक्षता अवच्छेद का न होने के कारण से उपलक्षता उपलक्षता अवच्छेद का अवच्छिन्न जो घटपट आदि अनेक व्यक्ति उपलक्ष्य है उन सभी में इस लक्षण को आप नहीं दिखा सकते, उपलक्षण रूपा लक्षण को नहीं घटा सकते। एतेन नित्यत्व अन्यत्रापि प्रतिवचनीयम्, इसी प्रकार से नित्यत्व घटित लक्षण जितने भी बनाते हैं उन सभी को इसी युक्तियों से खंडन कर लेना।